बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज कुकिंग चैनल लखनऊ में मुठिया कबाब बनेगा, जो कि आज़मगढ़ का बहुत मशहूर कबाब है मुठिया कबाब। तो ये बहुत ही उम्दा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं और बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको हर नई वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुँचेगा। तो व्यूअर्स, आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी होती है ये मुठिया कबाब, बहुत ही उम्दा होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मुठिया कबाब। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम मसाले देख लेते हैं क्या क्या डालना है हमें कीमे में मुठिया बनाने के लिए। तो ये सबसे पहले मैं कश्मीरी लाल मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, और ये होममेड कबाब मसाला है, ये हाफ़ टी स्पून है। बहुत ही उम्दा होता है, बहुत ही टेस्टी है। इसकी रेसिपी पहले से अपलोड है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी होता है ये मसाला, आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। और ये होममेड गरम मसाला है, इसकी भी रेसिपी अपलोड है पहले से। ये 1/4 टीस्पून है गरम मसाला, और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और ये नमक टेस्ट के हिसाब से हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये ज़ीरा पाउडर है पिसा हुआ तो ये भी हाफ़ टी स्पून, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है ये भी हाफ़ टी स्पून है। ये सारी चीज़ें हम कीमे में डालेंगे। और इधर ये हरी प्याज है आधा कटोरी है, ये यानी हाफ बाउल है। ये दोनों है हिस्सा, हरा पार्ट भी लिया हुआ है और ग्रीन पार्ट भी दोनों। और ये भुना हुआ बेसन है 2 टेबल स्पून है ये। ये सारी चीज़ें हम कीमे में डाल देंगे। और ये कीमा हमारा बड़े का है, 250 ग्राम कीमा लिया है, और इसको धो करके अच्छी तरह से इसका पानी निकाल दिया है, ठीक है। ये सब डाल दिया हमने इसमें। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टेबल स्पून है, वो भी मिला दिया हमने इसमें। ये सारी चीज़ें मिला दी। और ये हरा धनिया है 1 मुट्ठी, और 1 मुट्ठी पुदीना, और 4 हरी मिर्चें। ये सारी चीज़ें हमने दरदरी पीस ली हैं, इसको भी मिला देंगे इसी में कीमे में। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और चटपटा आपको चाहिए तो और ज़्यादा मिर्चें मिला लें इसमें। और ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज हमने क्रश कर ली है, ये डाल देंगे इसमें, इसको भी मिक्स कर देंगे। और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है अभी से, अभी तो बनकर तैयार भी नहीं हुआ कबाब, बहुत ही उम्दा लग रहा है। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा क्या क्या डाला है इसमें हमने। और इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, मिक्स करके इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसको ढक देंगे, ढक करके 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे ऐसे ही। और फिर अब 2 घंटे हो चुके हैं, अब इसको बनाते हैं कबाब। ये देखिए, इस तरह से पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ऊपर नीचे, मिक्स करके फिर हम इसके मुठिया कबाब बनाएंगे, जो कि आज़मगढ़ की बहुत ही मशहूर मुठिया कबाब होता है। तो ये देखिए, मुठिया बनाने के लिए हमने थोड़ा थोड़ा लिया है इसका, और इसे बराबर करके फिर ये मुठिया का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से उंगलियों के निशान पड़ जाने चाहिए, इससे बहुत खूबसूरत लगता है ये। ये देखिए, थोड़ा सा लेंगे और इस तरह बराबर करेंगे इसको, पहले बिल्कुल अच्छे से हो जाना चाहिए बराबर, फिर उसके बाद ये मुठिया का शेप देंगे। और ये देखिए, कितनी अच्छी खूबसूरत से तैयार हो गई हमारी सारी मुठिया, ये आखिरी भी बन गई है और बहुत ही उम्दा होती है, आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारी मुठिया बनकर तैयार है, कितनी खूबसूरत लग रही है उंगलियों के निशान इस पर, बहुत ही उम्दा। और इसमें हमने लेमू भी डाला, इसमें 1 टेबल स्पून इसमें डाल के मिला दिया था, जो कि दिखाना भूल गए हैं। और ये तवा गर्म हो गया, इस पर तेल डाल दिया हमने 3 टेबल स्पून, और ये स्लो कर दिए फ्लेम इसमें, और ये एक एक डाल देंगे हम इसमें, बस इसी तरह से शैलो फ्राई करना है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं उंगलियों के निशान इसमें, कितना बेहतरीन लग रहा है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें फ्राई होने पे। ये सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं, आप कोई सा भी तेल यूज़ करें, लेकिन इधर ये सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है इसमें कबाब बनाने में आज़मगढ़ में ख़ासतौर से। ये देखिए, हमारे फ्राई हो गए हैं, हमने 1 मिनट बाद इसको पलट दिया था, बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ गया। और इसी तरह से हमें दोनों तरफ से कलर लाना है बेहतरीन सा, खूबसूरत सा। ये देखिए, हो गए तैयार दोनों तरफ, यानी 2-3 मिनट लगे उलट पलट करके इसको फ्राई करने में। और अब इसे निकालेंगे प्लेट में, और इसे आप ईद में बनाएं या रमज़ान में बनाएं, आजकल बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बहुत ही टेस्टी होती है। हरी चटनी के साथ और सलाद के साथ हमने इसे सर्व किया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और टेस्ट में उतना ही मज़ेदार है। इसे बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाने में, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है। मुठिया कबाब बहुत ही उम्दा बनकर तैयार होता है और आसानी से बनकर तैयार होता है, कोई मुश्किल नहीं होती इसे बनाने में।
तो व्यूअर्स आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको हर नई वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुँचेगा। तो व्यूअर्स अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। आप लोग खुश रहें, खैरियत से रहें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।